हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि होली आने वाली है, वैसे तो होली के अभी काफ़ी दिन हैं, बट मैं होली के लिए बनाने जा रही हूँ चावल से कचरी। और चावल मैंने बारीक वाले लिए हैं, यानी कि किनकी, तो चलिए देखते हैं इन्हें मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बारीक वाले चावल मैंने ले लिए थे और इनको मैंने साफ़ करके रात में भिगो करके रख दिया था। और फ्रेंड्स, इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने एक कटोरी चावल लिए थे तो मैं 4 कटोरी पानी इसमें डालूंगी। और ये 4 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये 2 छोटा चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सोडा। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच हमने सोडा डाल दिया है, खाने वाला सोडा। नमक और सोडा डालने के बाद मैंने इसे गैस पर रख लिया है और गैस को कर लिया है ऑन। और अब मैं इसको लगातार चलाते हुए पकाऊँगी। फ्रेंड्स, कचरी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बारीक चावल, यानी कि किनकी वाले चावल मैंने लिए थे और उनको मैंने पूरी रात भिगा करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक और खाने वाला सोडा। और इनको डाल करके मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी बॉईल आने तक। और उसके बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है और इसी से मैं चावल की कचरियाँ तैयार करूँगी। तो चलिए इसको पकने देते हैं। फ्रेंड्स, कचरी बनाने के लिए यहाँ मैं प्लास्टिक के कोन तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए कि मैंने प्लास्टिक के पॉलीथीन लेकर इस तरह से इनको चौकोर शेप में कट कर लिया है। और अब मैं प्रेस की मदद से इसे इस तरह से यहाँ से चिपका लूँगी, तो ये मेरे कोन बनकर तैयार हो जाएंगे और इन्हीं से मैं कचरी तैयार करूँगी। तो चलिए कोन तैयार कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से चिपक गई है, आप देख सकते हैं। और बस इधर से मैं कट लगा करके यहाँ पर छेद बना लूँगी ताकि कचरी हमारी आसानी से बन सके। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कट कर दूँगी। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं और अब हमें क्या करना है। अब मैंने ले ली है ये रई, जिससे कि हम मट्ठा बनाते हैं। तो अब चावल बॉईल होने के बाद इस रई से मैं इनको अच्छे से घोट लूँगी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि चावल को मैंने मिक्सी वगैरह में नहीं पीसा था, आप चाहें तो पीस सकते हैं, बट मैंने इनको ऐसे ही बना लिया है। और अब अच्छे से बॉईल होने के बाद मैं इस रई की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही बढ़िया, ये हमारे परफेक्ट तैयार हो जाएंगे और कचरी बनाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस तरह से करने से ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, चावल का जो बैटर है वो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको ले जाऊंगी छत पर। देखिए फ्रेंड्स, सारा सामान मैं ले आई हूँ छत पर और ये मैंने कर ली है सारी तैयारी। और कचरी बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक सीट को बिछा लिया है।
और अब मैं इनको सूखने के लिए रख दूंगी। 2 या 3 दिन में ये प्रॉपर सूख कर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, मैं इन्हें आपको हाथ में लेकर के भी दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे से सूख चुके हैं। और अभी हम इन्हें थोड़ा और सूखने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कचरी हमारी प्रॉपर सूख चुकी हैं और 2 दिन में ये पूरी तरह से सूख गई हैं। और अब मैं इनको कर लेती हूँ थाली में और अब मैं इन्हें किचन में ले जाऊँगी। मैं ले आई हूँ किचन में और अब मैं इनको डीप फ्राई करके भी आपको दिखाऊँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें कचरी डालकर इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई हैं। और इस तरह से हमारी चावल की बहुत ही टेस्टी कचरी बनकर तैयार हो गई है। हम इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी बढ़िया कचरी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।